बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी हैव टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 25 व्हिच इज अबाउट सिंपलीफिकेशन। लेक्चर नंबर 25 इज अबाउट सिंपलीफिकेशन। नाउ वी हैव डिफाइंड सिंपलीफिकेशन एंड इट्स एग्जांपल्स इन द प्रीवियस लेसन, लेसन नंबर 24। 24 लेसन में हम ये सब कुछ जिक्र कर सकते हैं, कर चुके हैं कि ये सिंपलीफिकेशन क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देखें बेटा, ये देखें सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी सिंपलीफाइड, जो सिंपलीफाई हो सकें बाय ग्रुपिंग, ग्रुप्स में लिखें, लाइक टर्म्स टुगेदर, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखना आपने, ठीक है। सिंपलीफिकेशन की डेफिनेशन क्या? सिंपलीफिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी सिंपलीफाइड, इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं बाय ग्रुपिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, इसकी पहली एग्जाम्पल देखें, जिस तरह के पिछले लेक्चर में आपको ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी, 3x प्लस 6x माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 2x, ये टर्म्स गिने कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टर्म्स हैं, ठीक है, दीज आर 5 टर्म्स। इसमें से पॉजिटिव कितनी है, 5, और नेगेटिव कितनी है, 2। जो पॉजिटिव हैं वो तीनों आप पहले इकट्ठी करें, 3x प्लस 6x प्लस 2x, फिर उसके बाद आप नेगेटिव टर्म्स उसके साथ मिला दें, माइनस 8x और माइनस x, ठीक है। 3x प्लस 6x प्लस 2x, तीनों प्लस है, 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11, 11x, 8x नेगेटिव है और x ये भी नेगेटिव है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 8 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, माइनस 9x, ठीक है। 11x में से 9x को माइनस करें तो फाइनल आंसर विल बी 2x, द फाइनल आंसर विल बी 2x। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाएं, एग्जांपल 2 में देखें आप, दो डिफरेंट टर्म्स, एक 12 भी है और एक 7 भी है, फिर इसी तरह 8 है और 3 भी, 12 है और 8 है दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, 12 का साइन प्लस का है, 8 का साइन माइनस का है, ठीक है। तो 12 है में से 8 ए को सब्ट्रैक्ट करना है, इसी तरह प्लस 7 भी और माइनस 3 भी लिखना है, प्लस 7 भी माइनस 3 भी। यहां से आप देखें, जैसे 12a में से 8a को माइनस करें, 12a में से 8a को माइनस करें तो 12 में से 8 निकालें कितना आ जाएगा, 4a, इसी तरह प्लस 7b में से 3b माइनस करना है, 7 में से 3 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, प्लस 4b, 4a प्लस 4b, द फाइनल आंसर विल बी 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, एज दे आर अनलाइक टर्म्स, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, क्यों, 4a प्लस 4b, इधर 4 के साथ a है और इधर 4 के साथ b है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब आप आ जाएं एग्जाम्पल 1, when multiples operations and brackets are used, the Bodmas rule is followed as done in arithmetic. Bodmas rules क्या होता है, parentheses, brackets, division, d से division, m से multiplication, a से addition, s से subtraction, ठीक है, division, multiplication, addition और सब्ट्रैक्शन,
ये रूल अप्लाएंगे हम। पहले ब्रैकेट्स लिखेंगे, ब्रैकेट्स के को हम रिमूव करेंगे और उसके साथ फिर हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल अप्लाई करने हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देखें, ये एग्जांपल नंबर वन है। एग्जांपल नंबर वन में 4a प्लस, ये आपकी बुक में दी हुई है, बिग ब्रैकेट के साथ 5a, फिर माइनस, फिर कर्वी ब्रैकेट के साथ 3a, फिर माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट के साथ 6a, फिर माइनस, फिर बार ब्रैकेट के साथ 12a माइनस 8a, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम कर्वी ब्रैकेट भी कहते हैं और स्मॉल पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, आप गौर करें जरा इस क्वेश्चंस पर। यहां से देखें, सबसे पहले आप बार ब्रैकेट के नीचे देखें क्या है। बार ब्रैकेट के नीचे 12a और माइनस 8a दोनों लाइक टर्म्स हैं। 12 में से 8 को निकालें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4a। 12 में से 8a को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, 4a। बाहर साइन इसी तरह रहेगा माइनस का, लेकिन ये ब्रैकेट जब सिंगल टर्म आ जाएगी तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को आपने खत्म करना है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करना है। स्मॉल ब्रैकेट में 6a माइनस 4a, अब 6 में से 4 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 2a। 6a माइनस 4a क्या आ जाएगा आपके पास, 2a। साइन बाहर वही रहेगा माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब है जब 6a में से 4a को निकाला, 2a आ गया, ये सिंगल टर्म आ गई, तो स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गई। जब स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गई तो आपके पास कौन सी ब्रैकेट रहेगी, कर्वी ब्रैकेट, और बाय बिग ब्रैकेट एज इट इज रहेगी। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि कर्वी ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं वो देखनी है आपने, एक 3a पॉजिटिव के साथ, एक 2a है नेगेटिव के साथ। 3a पॉजिटिव माइनस 2a, 3a में से 2a निकालें तो क्या आ जाएगा, सिंपल a आ जाएगा। सिंगल टर्म a आ गई, इसका मतलब है कर्वी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ये खत्म हो गया, आपके पास क्या बच गया, माइनस a, और बिग ब्रैकेट इसके आसपास आ गया। ठीक है, इसके लेफ्ट पे भी और इसके राइट पे भी बिग ब्रैकेट आ गई। अब आपने क्या करना है, 5a में से a को माइनस करना है तो आपके पास क्या आएगा, 4a, और बिग ब्रैकेट आपकी ये खत्म हो जाएगी, प्लस 4a आ जाएगा। 4a प्लस 4a दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 8a। द फाइनल आंसर विल बी 8a, विच विल बी ए सिंगल टर्म। एक दफा फिर आप देख लें सिंप्लीफिकेशन क्या चीज है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी सिंप्लीफाइड बाय ग्रुपिंग लाइक टर्म्स टुगेदर। लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करके, ग्रुप करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि यहाँ देखें, 3x plus 6x minus 8x minus x plus 2x. पहले आपने क्या करना है कि लाइक टर्म्स में पॉजिटिव टर्म तीनों आपने इकट्ठी करनी है। पहले 3x आएगी, फिर प्लस 6x आएगी, फिर प्लस 2x, फिर उसके बाद माइनस 8x और माइनस x। ठीक है बेटा, अब तीनों पॉजिटिव टर्म्स में देखें, 3x और 6x और 2x, ये तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। 3 में 6 ऐड करें 9, और 9 में 2 ऐड करें कितना जाएगा, 11x। इधर से आप देखें माइनस 8x है और माइनस x, 8 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 9x लिखा जाएगा, ये माइनस 9x। 11x में से 9x को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इसका क्या आएगा, 2x। 2x will be the final answer of this example, which is a single term. ठीक है? अब आप आ जाएं example number 2 पर। Example 2 में देखें, 12a plus 7b minus 8a minus 3b. चारों terms में दो-दो terms like terms हैं। ठीक है? दो like terms एक जैसी हैं, दो like terms एक जैसी। ठीक है? अब 12a और 8a को आप मिलाएं, 12a माइनस 8a, और इधर से आपने किसको मिलाना है,
7b और माइनस 3b को, 7b माइनस 3b, ठीक है। तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें आपके पास 4a आ जाएगा, और 7b में से 3b को सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 4b, ठीक है। 12a में से 8a को सब्ट्रैक्ट करें तो 4a, और 7b में से 3b को माइनस करें तो आपके पास 4b, दोनों डिफरेंट होंगी, 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ये मजीद सिंप्लीफाइड नहीं होंगी एज दे आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, 4a प्लस 4b दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब आप आगे आ जाएं, जो कि ई पार्ट के लिए आपने रूल अपनाना है, व्हेन मल्टीपल ऑपरेशंस एंड ब्रैकेट्स आर यूज्ड, मल्टीपल ऑपरेशंस, जैसा कि बॉडमैस रूल है, बॉडमैस रूल में ये आपने डी से डिवीजन, एम से क्या है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, पैरेंथेसिस ब्रैकेट रूल, ये आपने अप्लाई करना है, इज फॉलोड एज डन इन अरिथमेटिक, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखें इसकी, एग्जांपल नंबर वन में 4a प्लस आगे बिग ब्रैकेट 5a माइनस फिर कर्वी ब्रैकेट, उसके बाद 3a फिर माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 6a फिर उसके बाद माइनस फिर 12a और माइनस 8a, इसके ऊपर बार ब्रैकेट है, और ये देखें स्मॉल ब्रैकेट के अगेंस्ट स्मॉल ब्रैकेट, कर्वी ब्रैकेट के अगेंस्ट कर्वी ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के अगेंस्ट ये बिग ब्रैकेट है। अब जो बॉडमैस रूल था, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ये रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बार ब्रैकेट के नीचे देखें आप 12a और माइनस 8a है, 12a में से 8a को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा 4a, ये सिंगल टर्म आ जाएगी तो बार ब्रैकेट आपकी खत्म हो जाएगी। पीछे कौन कौन सी ब्रैकेट्स आपके पास बचेंगी, स्मॉल ब्रैकेट्स दोनों बच जाएंगी, और बाकी एज इट इज क्वेश्चन सारा रहेगा। अब स्मॉल ब्रैकेट को आपने खत्म करना है, स्मॉल ब्रैकेट को कैसे खत्म करना है, 6a में से 4a निकालें आपके पास क्या आ जाएगा 2a, 6a माइनस 4a क्या आ जाएगा 2a, तो स्मॉल ब्रैकेट खत्म होगी, बाहर साइन आया माइनस का। अब कर्वी ब्रैकेट खत्म करनी है आपने, इसके अंदर देखें आप 3a और माइनस 2a है, 3a में से 2a को माइनस करें, 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा जो a के बराबर होगा, ठीक है। बाहर साइन कौन सा आएगा माइनस का, और ये बिग ब्रैकेट आ गई, ठीक है, कर्वी ब्रैकेट आपकी या पैरेंथेसिस ये खत्म हो गई। f 5a माइनस a, 5 में से 1 को निकालें कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4a, बाहर साइन कौन सा है प्लस का, ठीक है। अब आपने क्या करना है 4a प्लस 4a दोनों को मिलाएं किसके बराबर आ जाएगा 8a, 4a प्लस 4a इज इक्वल टू 8a। अब आप आ जाएं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 8d, इसका a और c पिछले लेक्चर में आप a और c पार्ट कर चुके हैं, अब आपने कौन सा करना है e पार्ट। ये याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर वन में आपने ये जिन पार्ट्स को मैंने सर्कल किया ये सारे पार्ट्स आपने करने हैं 8d के, ये अगले लेक्चर्स में आपको साथ साथ डिलीवर होते रहेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। और इधर जो क्रॉस लगे हुए हैं ये बी डी एफ एच जे एल एन, ये वाले पार्ट जो मैंने क्रॉस किए हैं ये आपने नहीं करने हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ई पार्ट में 5a स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट स्मॉल, 3a माइनस ये बार ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस 4 ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला आपने क्वेश्चन करना है,
ई पार्ट, ई पार्ट में देखें ये ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट सारे टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है आपके पास? डिफरेंट है। पहले आपने बार ब्रैकेट हटानी है। बार ब्रैकेट जब हटाएंगे तो आपने बार ब्रैकेट के बाहर देखना है साइन कौन सा है। ये माइनस का है तो यहाँ ए स्क्वायर के साथ प्लस का साइन था तो ये माइनस ए स्क्वायर आ गया, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा? ये प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस फोर हो जाएगा। बार ब्रैकेट हट जाएगी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपने स्मॉल ब्रैकेट हटानी है। स्मॉल ब्रैकेट हटाने के लिए देखें एग्जाम्पल में तो तीनों टर्म्स जो जितनी भी टर्म्स थी ब्रैकेट के अंदर वो एक जैसी थी, लेकिन यहां पर एक जैसी नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। जैसा कि ये थ्री है, ए स्क्वायर और फोर, तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो थ्री ए प्लस के साथ है, माइनस प्लस माइनस, और बाहर देखे माइनस ए स्क्वायर का साइन देखे माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस फोर का साइन देखे प्लस है, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा? ये माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप ये वाला स्टेप देखें, फाइव ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर, इस स्टेप में ये चीज आ जाएगी। अब आप देखें इसमें दो लाइक टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, फाइव ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा कर लें, फाइव ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर से माइनस थ्री ए अलहदा लिखें और इधर से माइनस फोर अलहदा लिखें, ठीक है। फाइव ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर वन, फाइव और वन में ला के कितना हो जाएगा? सिक्स, इसका आ जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस थ्री ए, और फिर आखिर में आके आ जाएगा माइनस फोर, ठीक है। एक दफा इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ से देखें, ये क्वेश्चन है यहाँ पर ई पार्ट का, फाइव ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ब्रैकेट थ्री ए, फिर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस फोर, ऊपर बार ब्रैकेट है और फिर स्मॉल ब्रैकेट। यही क्वेश्चन इधर मैंने लिखा दोबारा और इसको सॉल्व किया है। आपने भी इसी तरह कॉपियों पर सॉल्व करना है। इसका एक दो तीन चार, चार स्टेप हैं और एक क्वेश्चन का स्टेप है, ठीक है। अब बार ब्रैकेट है, देखें बार ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस फोर है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस फोर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल क्या होगा? थ्री ए माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर, ब्रैकेट जो है बार ब्रैकेट ये खत्म हो गई, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? थ्री ए माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर ब्रैकेट स्मॉल। उसके बाद आपने देखें स्मॉल ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है? माइनस का, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये थ्री के साथ प्लस का साइन है माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस, ये माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देखें कि फाइव ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। फाइव ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स इकट्ठी करें, इधर से माइनस थ्री है और इधर से माइनस फोर आ जाएगा। फाइव ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर, फाइव और वन मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर? सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर से आप देखें माइनस थ्री है इसी तरह, और माइनस फोर एज इट इज। द फाइनल आंसर विल बी सिक्स ए स्क्वायर माइनस थ्री है एंड माइनस फोर। फाइनल आंसर विल बी सिक्स ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस फोर, ठीक है। आपने इन, अब ये लेक्चर खत्म हुआ, द एंड। ये वाला ई पार्ट आपने कॉपीज पे अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करना है ताकि मैं आपका चेक कर लूँ। अल्लाह हाफिज़।